ये जो चुनाव है ये तानाशाही के खिलाफ चुनाव है। अभी सारे देश के नौजवान, जिन लोगों ने नौजवानों को हमें भूखे पेट रखने की कोशिश की है, नौजवान उनके खिलाफ ये इन चुनाव लड़ेगा और इंडिया अलायंस का सपोर्ट करेगा। पूरे कश्मीर की आवाम, पूरे जम्मू की आवाम ये चुनाव में हिस्सा लेगा, अपना वोट देगा और ऐसे वोट देगा दिल्ली तक आवाज निकलनी चाहिए उनके वोटों की, और ये सरकार की कुर्सी हमें हिलानी है। देखिए ये चुनाव जो है पहले इलेक्शन से मुख्तलिफ है। ये चुनाव पहले चुनाव हुआ करते थे डेवलपमेंट इश्यूज पर, लेकिन ये चुनाव जो है सियासी इश्यूज पर। 5 अगस्त 2019 ने पूरा जो यहाँ का निज़ाम जो है बदल दिया है। हमारा 370 ए आइन, हमारा झंडा, नेशनल फ्लैग, हमारी रियासत को 200 में तकसीम किया गया, हमारी पुरानी बहुत पुरानी रियासत को डाउनग्रेड किया गया यूटी। लेकिन ये तो मुख्तलिफ इलेक्शन है, इसीलिए बन गया ये मुख्तलिफ। इस वक्त हमने कोशिश करनी है कि जो से हमसे छीना गया है, कश्मीरियों से जो छीना गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों से जो छीना गया, उसको वापस लाने की कोशिश करनी है हमने। और हमारे जो इस वक्त जो हमारे मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तकालीफ हो, उनको कम करने की ज़रूरत है। आम लोग इस वक्त दबाव के उन पर दबाव है, उनके जहनी दबाव है, उन पर हुकूमत का दबाव है, एजेंसीज का दबाव है, उस दबाव को ख़त्म करना है। हमारे लोग जो बाहर के रियाज से बाहर जेलों में हैं, उनको वहाँ से निकाल कर अपने घरों तक पहुँचाना है। हमारे जो एम्प्लॉज हैं, जो नई जो हमारी पोस्ट्स है, वैकेंसीज है, उनको उन्होंने जोड़ा है हिंदुस्तान के नेशनल लेवल पे, उनको फिर से रियासत के जम्मू कश्मीर के अंदर के जो नौजवान हैं उनको वापस देना है। हमारी ज़मीनों का एक सौदा किया जा रहा है और रियासत के बाहर के लोग उनको डोमिसाइल दी गई है, उस डोमिसाइल को हमने कैंसिल करना है, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन पे उनका हक जिस तरह से रहा है ज़मीनों पे, वो हक बदस्तूर रहे। बहुत सारा बहुत मुख्तलिफ इलेक्शन है इसका, और ये जो वकालत है, ये जो इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की वकालत करने जा रही है, जो उनका उनके लिए जुदजहद करनी जा रही है, उनके जो लिए लड़ने जो जा रही है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बाकी जमातें जितनी भी इस वक्त इलेक्शन में आई, ये तो BJP के ABC टीम, डी टीम से जो उनका एजेंडा चला रहे हैं, उनका एजेंडा हमारे खिलाफ है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात इस वक्त है जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करती है, और हमने ये नुमाइंदगी करके है इन सब चीज़ों को वापस लाना है, और दूस दबाव जो है, जुल्म सितम जो है, उसको ख़त्म करने की अगर कोई कोशिश कर सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोई नहीं है।